अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। करते हैं हम सब कुछ, मगर मिलता नहीं है उतना जितना आप करते हो। जो भी काम आप कर रहे हो उसके रिटर्न में आपको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, क्योंकि काम तो सही है, दिशा गलत है। और अगर दिशा गलत हो, गति कितनी ही तेज क्यों ना हो, मंजिल कभी नहीं मिलती। और दिशा सही है, गति कितनी ही धीमी क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलती है, सफलता लक्ष्य जरूर मिलता है। आज की नीति भी यही कह रही है। हम यही सोचते हैं कि व्यक्ति को अपना बना लें, वस्तु को अपना बना लें, जबकि ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। नीति कह रही है कि दुनिया को अपना बनाने की अपेक्षा, दुनिया की सारी चीजों को अपना बनाने की अपेक्षा वक्त को अपना बनाना सीखो। वक्त को अपना बनाना सीखो। अगर आपने वक्त को अपना बना लिया, सब आपके हो जाएंगे। अगर वक्त आपका है तो दुनिया की हर चीज आपकी है। केवल अपन को समय को अपना बनाना है और कुछ भी नहीं। और समय को अपना बनाने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। जो भी बड़ा खिलाड़ी हो, बड़ा व्यापारी हो, बड़ा व्यक्तित्व हो, उसने दुनिया को कम समय दिया है, खुद को ज्यादा समय दिया। और जिसने खुद को समय दिया है, खुद को बिल्डअप किया है, वो फिर देखने लायक इमारत बनती है। अपन जो समय दे रहे हैं दुनिया को दे रहे हैं, संबंध बना लें, इससे कुछ अच्छी बातें करें तो व्यापारी बन जाएगा, नहीं नहीं अब केवल वक्त अपना बनाओ। वक्त से यहां मतलब है टाइम, फॉर्च्यून, डेस्टिनी। ये कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। किसकी? अपनी। करते तो हैं, दिशा गलत है। सच मान के चलना कि इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं है, सब समय के हैं, सब वक्त के हैं। आप भी वही हैं, हम भी वही हैं। जब पैदा हुए थे सब वही थे, लेकिन जिसका जैसा वक्त बनाया है जिसने, दुनिया उसके पास उतना आती है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को, व्यापारियों को देखना आप, जब प्रारंभ अवस्था थी कोई कोई पूछता नहीं था, देखता नहीं था, सामान्य ऐसे ही घूमते रहते थे। और वही जो विधायक मुख्यमंत्री बन जाए तो, और वही सांसद प्रधानमंत्री बन जाए तो, हमारे मोहल्ले का है, उसने वक्त को अपना बनाया है, हमें भी वक्त को अपना बनाना है। जीवन की कोई भी समस्या हो, समाधान सबका एक है, अगर वक्त तुम्हारा है सब कुछ तुम्हारा है। वो वक्त कैसे बनाएं? वक्त का मतलब हम अपने आप का पुण्य बढ़ाएं। बोले उसका तो टाइम चल रहा है यार, टाइम चल रहा है मतलब उसका पुण्य चल रहा है, उसका समय चल रहा है। हम पुण्य को अपना बनाएं, मन खराब करके, भावों को खराब करके, किसी के लिए अशुभ कह करके हम अपना समय खराब कर देते हैं। एक व्यक्ति ने 100 लीटर दूध लिया और 100 लीटर दूध को लेकर के उसने ठंडाई बनाई, कितनी देर लगी होगी, पूरा आपके जैसे मिक्सी में नहीं, पूरी ठंडाई का मसाला हाथ से पीस करके ठंडाई बनाई। और जब सारी ठंडाई बन गई और बटने वाली थी, धीरे से इलायची की जगह चीटी मार पाउडर डल गया, ज्यादा नहीं डला, एक ही चम्मच डला था। वो ठंडाई कोई पिएगा? वो ठंडाई किसी को पिलाई जाएगी? जहर इतना सा भी हो, काम तो वो अपना करेगा। ऐसे ही आपके जो भावों की विशुद्धि चलती है, जो आपके परिणामों की निर्मलता चलती है, किसी से झगड़ कर, किसी से ईर्ष्या करके, किसी से द्वेष करके, किसी को हानि पहुंचा करके, हम सब खत्म कर लेते हैं। जो हमारा वक्त रहता है वो हमें छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि प्रकृति बड़ी ईमानदार है, वो अच्छे लोगों के साथ रहती है, अच्छे लोगों के पास रहती है।
भूकंप भी आए तो जो पापी होते हैं उनके यहाँ नुकसान होता है, बाढ़ भी आए तो जो पापी होते हैं उनके यहाँ हानि होती है, धर्मात्मा क्या नहीं होता। देखो आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान में धार्मिक नगरियां हैं, ये धार्मिक नगरियां होने के कारण यहाँ बड़े कम विपदाएं आती हैं, और जहां पर जीवों की हिंसा ज्यादा है वहां ज्यादा विपत्तियां आती हैं। अपने वक्त बनाना सीखिए, एक मानसिक, मानव की एक मानसिक प्रवृत्ति, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो जोड़ता है सब चीजें, लेकिन जिसको जोड़ना उसको नहीं जोड़ता। माना कि ये 1,00,000 रुपए का माइक लगा दिया जाए और स्पीकर 5,000 रुपए का लगाए, आवाज क्या आएगी। मानसिक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, वो हर चीज को अपना बनाने का प्रयास करता है, हर चीज अपने नाम पे करना है उसको। दो भाई होंगे तो देखेंगे प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कितनी है, गाड़ी किसके नाम पर है, घर किसके नाम पर है, व्यापार दुकान किसके नाम पर है। जबकि चिंतन बदलने की आवश्यकता है, हमें वस्तु या व्यक्ति को नहीं, हमें भाग्य को अपना बनाना है। क्योंकि जब भाग्य का सिक्का चलता है तो जहां हाथ डालो वहीं हीरा निकलता है। आज की नीति कह रही है कि वक्त बदलते ही सब बदल जाते हैं। जब वक्त बदलता है ना, सब बदल जाते हैं। जिन्हें आप अपना मानते हैं वही धोखा देते पाए जाते हैं। वक्त बदल जाए सब भूल जाएंगे। पूछते लोग, बोले आप पहचानते हो आप उनको, आपके मौसी के चाचा के भाई के लड़के? नहीं नहीं हम नहीं जानते। उसका वक्त बदल जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, मौसी को लेके जाओगे टेंडर दिलवाओ उनको। देखो वक्त बदल गया तो वही सामान्य व्यक्ति जो गलियों में घूम रहा था विधायक जी हो गए, फिर धीरे से कहते हैं चाचा हमारे विधायक हैं। इसलिए नीति अपने जीवन में उतारना, मेक योर टाइम, बिल्ड योर टाइम, अपना वक्त बनाना सीखें, और वो अभ्यास से बनेगा। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप अपने का सुधार करेंगे उतना बनेगा। ये माताएं भोजन बनाती हैं, सब्जी सुधारती हैं, आप दुकान जाते हो कपड़े सुधारते हो। जो जिसका व्यापारी हो वो अपना काम करता है, कोई फाइलें देखता है, कोई कुछ देखता है, कभी अपने लिए भी तो करो। आपने अपने व्यक्तित्व के लिए क्या किया है? आपने स्वयं के निखार के लिए क्या किया है? कितना समय आपने 24 घंटे में खुद को दिया है? दीजिए ना। मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, चूड़ी लिखता था तो पूड़ी लिख जाती थी, लेकिन मैंने हर दिन 20 पेज लिखे 2009 से लेकर 2023 तक। मैं अभी तक हर दिन 20 पेज लिखता हूं, राइटिंग अच्छी हो गई और वो जो पेज लिखे थे वो ग्रंथ बन गए। आपको अपने लिए काम करना है। दुनिया की जितनी क्वालिटीज आपको जितने भी लोगों में दिख रही हैं वो सब आपके अंदर हैं, 101% हैं। बस आपको अपने लिए समय देना है, आप खुद के लिए समय नहीं दे रहे। निकालिए, जितना समय दूसरों को देते हैं उतना समय खुद के लिए निकालिए। इफ यू विल वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। इफ यू विल सेव द टाइम, टाइम विल सेव यू। आप अपने आप को बिल्डअप तो करें। आज सोचना कि दिन भर आज यही सोचना, मैंने अपने लिए क्या किया है, हम अपने लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज इस नीति को जीवन में उतारना, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, वो व्यक्तित्व है, वो एटीट्यूड है। हम दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर काम नहीं किया। आज से काम प्रारंभ करना है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।